त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और त्योहारों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए सुपर कोचिंग इस 6, 7 और 8 नवंबर को लेकर आया है ऑफर्स का महोत्सव सेल, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एंड ऑफर्स ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इन शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, ओके, क्या हाल चाल है आप सभी की? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लाइव भी आप लोग की बहुत अच्छी जा रही होगी। जल्दी से मुझे एक बार कंफर्मेशन देके बता दीजिएगा कि आप लोग को ऑडियो वीडियो क्लियर तरीके से प्रॉपर तरीके से जा रही है नहीं, ताकि हम लोग अपने सेशन को आगे की तरफ बढ़ा पाएंगे। ओके, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। तो नमस्कार, शस्त्रीकाल, और शायद मैंने वाले लाइन में बोली नहीं है कि मैं हूँ आपकी अपनी एजुकेटर दिव्या त्रिपाठी आप सभी के सामने। ओके, वैसे भी चार्ट सेक्शन थोड़ा स्लो दिखाई देता है, तब तक हम लोग आगे बढ़ जाते हैं फटाफट तरीके से। ओके, आप लोगों का सेल भी चल रहा है फिलहाल, ध्यान रखना है इस चीज़ में, जहाँ पे सुपर पैक में आप लोग के लिए ऑफर वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आप लोग के लिए ऑलरेडी चल रही हैं। फिलहाल आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास मेरी किसने लगाई? अभी जस्ट मैंने थंबनेल देखा है, स्टैटिक लिखा हुआ है। जिसने भी मेरी क्लास लगाई है, सी की जगह के लिखा हुआ है, स्टैटिक। ओके, चलो अभी जस्ट मैं अभी टीवी पे लगा रही थी तो मैंने नोटिस किया, और तुम लोग लगता है ये कांड मैम ने किया होगा क्योंकि मैम लगा रही होंगी। चलिए देख लेते हैं मैम आज का हमारा कोड जो है ये क्या कह रहा है, कि शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा जाए। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने हाथों की लकीरों पर यकीन करते हैं? कितने लोग हैं जो किस्मत बोल के जो चीज़ होती है उस पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं? देखते हैं हम तो अपने किस्मत का खा रहे हैं, देखते हैं किस्मत में जो होगा जैसा होगा वो तो हमें मंजूर करना ही पड़ेगा, ऐसे कितने लोगों के थॉट्स जो है वो मन में ऐसे आते रहते हैं। देखो, मानो या नहीं मानो, मैं मानती हूँ कि किस्मत का थोड़ा बहुत रोल आता है, लेकिन तब आता है। वो कहते ना कि तुम खुद से भी मेहनत नहीं करोगे ना तो शायद कोई तुम्हारी मदद ना कर पाए, क्योंकि अंत में लास्ट में जो व्यक्ति है जो अपनी मदद कर सकता है, जो खुद को आगे बढ़ा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मैं बोलूँगी अगर लक का योगदान होता है तो 5 से 10% होता है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। अगर तुमने ठान लिया है ना तो बस वो चीज़ होके रहेगा, चाहे कुछ भी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हार नहीं मानता हो, जो थकता नहीं हो, जो गिरता नहीं हो, जो दुखी ना होता हो, जो रोता नहीं हो, जिसको कभी ऐसा नहीं लगता हो कि यार अंधेरा छा गया है चारों तरफ, पता नहीं क्या करे, क्या कैसा करना चाहिए, है ना। तुम जिसको बहुत सक्सेसफुल लोगों को भी देख रहे हो ना, उनकी भी अपने स्ट्रगल्स हैं, उनकी भी अपनी वो रातें हैं जब वो रातें सोई नहीं है, वो दिन है जो टेंशन में भरे हुए हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना टेंशन का बना हुआ है, बट यस, जो चलता जा रहा है, जो खुद पर विश्वास रख के जो चलता जा रहा है, बस वही है। यहाँ पे कहते हैं ना मुकद्दर का सिकंदर, मेरे को जुकाम हो रखा है तो शायद शब्द जो है वो ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहे होंगे। तो बस यही सारी चीज़ें हैं और आप लोग को ध्यान रखना है। वैसे कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमने किए भी हैं, कुछ चीज़ों को हम वापस से करेंगे। जैसे अभी आप लोग को पता है कि 2023 में किनको किनको भी नोबेल प्राइज़ जो हैं ये मिले हैं, तो उसको जल्दी से एक बार फटाफट तरीके से हम याद कर लेते हैं। जिन लोगों ने पहले कर रखा है तो हम लोग क्या कर लेंगे मैम, एक बार रिवाइज कर लेंगे। डन रही बातें? चलो तब तक मैं यहाँ पर YT खोल लेती हूँ, मैं इस पहला सवाल पढ़ लेती हूँ, जब तक ये YT मेरा जो है ये खुलता रहेगा फ़ोन पे। सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ। क्या कह रहा है कि नोबेल प्राइज़ जो है इकोनॉमिक्स में इस बार 2023 वाला वो किसके पास गया है? तो मैम ये तो बड़ा क्लियर हो रहा है कि किस सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। अच्छा गाइज, मेरी आवाज़ क्लियर है ना, आप लोगों तक जा रही है ना, मतलब ऑडिबल? ठीक है, तो क्या बोला मैम? यहाँ साफ साफ शब्दों में पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल जो है वो किसको दिया गया है। तो ये मैम आसान हो जाएगा हमारे लिए कि मैम किनको दिया गया है, गोल्डन को दिया गया है। यहाँ पिक्चर भी लगी हुई है ऑलमोस्ट, तो आप लोग के लिए ये भी चीज़ होगी, यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ आपको ये भी पता करना है। जैसे ये देखो, ये नोबेल पीस प्राइज़ है, तो मैम इससे साफ मतलब हो रहा है कि इन्होंने पीस को प्रमोट किया है, है ना। वैसे फिलहाल मैं इसको स्किप करूँगी, द रीज़न वाई, क्योंकि इसका इंग्लिश हिंदी जो है वो गलत है। यहाँ पे आपका नरगिस मोहम्मदी हो जाएगा, मैं आपको जवाब बता के आगे बढ़ रही हूँ उसमें। द रीज़न वाई, क्योंकि वहाँ पे हिंदी जो है वो थोड़ा सा ये दिया गया है। तो मतलब इन्होंने मैम पीस को
प्रमोट किया सबसे ज़्यादा, वुमेन के राइट्स के लिए लड़ी है। अब ऐसा तो मैम कोई भी देश नहीं है जहाँ पे क्राइम नहीं हो रहा हो, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इसमें अव्वल दर्जे पर आते हैं, जिनके यहाँ क्राइम जो है वो बहुत अलग स्तर पे आगे बढ़ रहा होता है। तुमको एक टाइम याद है जब महिलाएं अपने नाखून नहीं दिखा सकती हैं? वैसे नेल्स का मुझे कुछ खासा शौक है नहीं, तो कई लड़कियों को होता है, मैं भी सोच रही हूँ मुझे डेवलप करना चाहिए। खैर, होता है नाखून नहीं दिखा सकती हैं लड़कियाँ जो है वो ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं, और ना जाने कितनी सारी बातें। फिलहाल उत्पीड़न के जो मामले हैं, आपने देखा है कि ऐसे बहुत सारे बाकी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये उत्पीड़न के मामले जो हैं आपको देखे जाते हैं, राइट। चलिए, लिटरेचर में नोबेल प्राइज जो है वो किसे मिला है? अरे तुम लोगों में से किसी लोगों ने बताया नहीं, अभी जब टीवी खुला है तो मुझे दिखाई दिया है। क्या यार तुम लोग भी। ओके, लिटरेचर के लिए किसको मिला है मैम? जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं बड़ा ही सही दे रहे हैं। मैम, लिटरेचर के लिए मिला है जॉन फेसस को। अब चूंकि मैं लिटरेचर के बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर मैं भारत के बारे में बात नहीं करूँ तो शायद ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। भारत में सबसे पहले व्यक्ति कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में? अगर मैं आपसे यही शब्द इंडियन पूछ लेती कि फर्स्ट इंडियन कौन है, तो आप क्या बताओगे? जल्दी से, सुबह सुबह एक व्यक्ति आया है वीके राय बोल के, उसने लिखा है सुबह सुबह मेकअप। हाँ, सुबह सुबह मेकअप, सुबह सुबह उठना, जिसमें पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं, आप अपने मंथ के एक साइकिल में हो, उसके बाद आप नहा रहे हो, बाल धो रहे हो, मेकअप कर रहे हो, आपको आके कंटेंट दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और आप जो है स्पेलिंग तक ठीक से ढंग से नहीं लिख सकते हैं, और हम इतना भी अफोर्ड कर पा रहे हैं कि अपना मेकअप भी खरीद पा रहे हैं। ठीक है, आइए पढ़िए, बाकी बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, आप वहीं पर सेंटर के सामने गुलाब बेचिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, शांत मैम, शांत। ये लोग दिल से गुस्सा दिलाते हैं, पता है, ट्रस्ट में करिए, ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं क्या करती इनका। आई एम स्वीट ना, आई नो। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक ऑफ द पेशेंट विद पेप्टिक यूसरस? अब ध्यान से सुनो, क्या बोला है कि पेप्टिक अल्सर जब होता है ना, तो रोगियों के पेट के निचले हिस्से में, तो उसमें मैम क्या, कहाँ पे पाया जाता है वो? असल मायने में हमने बोला तो मैम रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में सबसे पहली बार लिटरेचर के लिए दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गुरुदेव की उपाधि जिनको महात्मा गांधी ने दी थी। बहुत ही बेसिक सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को दिए जाते हैं। सॉरी मैम, कोई बात नहीं, सॉरी बोल के अगर आपका एहसास हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वी के, ओके, तो कई लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से कंफ्यूज भी हैं यहाँ पे। कई लोगों ने अपना अपना जवाब भी जो है ये दे के रखा है। हमने किसके बारे में कह दिया मैम कि हेलिकोबैक्टर, अब इसका नाम जो है थोड़ा सा बायोलॉजी में हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। होता क्या है मैम, डिजीज़ में एसिड प्रोड्यूस होता है स्टोमक में, डैमेज करता है लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर तुम स्वस्थ हो, सुखी हो, तो तुम यकीन मानो तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति हो। अगर तुम्हारे पास भरपूर पैसे हैं और तुम्हारा हेल्थ अच्छा नहीं है, तुम बीमार रहते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगला देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि कौन सा रोग जनक निमोनिया रोग का कारण बनता है? तुमने देखा निमोनिया ज़्यादातर जो होता है वो कम एज के बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। मैंने, तुम दो स्टेज देखोगे जनरली, वैसे तो जो बायोलॉजी एक्सपर्ट है वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे इस चीज़ को। एक तो मैम बच्चों में बहुत जल्दी हो जाता है निमोनिया, और एक आप देखोगे ओल्ड एज वाले टाइम पीरियड में बहुत जल्दी निमोनिया जो होता है वो हमें पकड़ लेता है। तो इसका रीज़न क्या है, मतलब आप मुझे ये बताओ पहले किसकी वजह से ये कॉज होता है? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ओके, ऑप्शन ए। ठीक है, अब वापस से क्या हो जाएगा मैम, इसको बोलते हैं हम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जिसकी वजह से आपका कॉज होता है। अब कई लोग बोलते हैं टाइफाइड हो गया है। आप कहीं भी जाते हो तो आप क्या बोलते हो, यार पानी तो हमें अच्छा पीना होगा, अगर हमने पानी ख़राब पिया ना तो पूरी हेल्थ की हालत जो है वो ख़राब हो जाएगी। पानी का कितना बड़ा रोल रहता है ना हर एक चीज़ में। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रही हूँ इनमें से कौन सा मानव रोग है जो सही से मैच नहीं किया गया है? ह्यूमन डिजीज़ का पेयर, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो इनकरेक्ट तरीके से मैच किया गया। क्या एड्स एक वायरस है? एंथ्रेक्स क्या बैक्टीरिया की वजह से है? इबोला क्या वायरस है जो इबोला फैल रहा था एथलेट के फूट में? वो कहते हैं बहुत देर तक जब आप जूते पहने रखते हो, जब सॉक्स पहने रहते हो, तो क्या बैक्टीरिया से संबंध है क्या उसका?
जवाब दीजिएगा बहुत ही आराम से। हाय तौबा, गाइस शेयर द क्लास। मैम ऑप्शन डी, मैम ऑप्शन बी। दो लोगों का जवाब आया है ऑप्शन बी और बहुत लोगों का जवाब आया है ऑप्शन डी। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन बी कहा है, एंथ्रेक्स और बैक्टीरिया ही है, लेकिन एथलीट फूट में मैम जूते पहने रहने से और सॉक्स पहने रहने से मुझे लगता है बैक्टीरिया, हम उसको फंगस से ज़रूर रिलेट कर सकते हैं, बैक्टीरिया से रिलेट नहीं कर सकते हैं। आप देखते हो कई लोगों के पाँव में ना स्मेल हो जाती है, क्यों? बहुत वक्त तक जब आप सॉक्स पहने रहते हो, जूते पहने रहते हो, तो वो जो क्या किस वजह से क्रिएट हो रहा होता है, बोलो बोलो बोलो। तो मैम ये जो हो जाएगा ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमने बोली एड्स के बारे में, अच्छा एड्स क्या साथ बैठने से, क्या साथ खाना खाने से हो जाता है? अब एक रिसेंटली बहुत ही फेमस हुआ था, एक सीन था हॉस्पिटल में, जूनियर डॉक्टर जो था वो पेशेंट को मार रहा था पकड़ के, तो लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। अब डिप्लोमेटिक लोग होंगे वो यही बोलेंगे कि दोनों पक्ष सही था, डॉक्टर का मारना भी सही था और ना मारना नहीं भी मारना चाहिए था, पेशेंट का अपना अधिकार होना चाहिए था। अगर मैं अपने साइड से बोलूँ तो डॉक्टर ने बहुत सही किया था पेशेंट को थप्पड़ थप्पड़ मार के, बहुत सही किया था। अगर मैं डिप्लोमेटिक ना बनूँ, मैं किसी अगर विवाद में ना फंसना चाहूँ तो मैं बोलूँ कि भाई डॉक्टर ने सही भी किया नहीं भी किया, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, डॉक्टर ने बहुत सही किया, उस पेशेंट को एड्स था। अब तुम बोलो मैं पेशेंट को एड्स है तो डॉक्टर ने तब मारा क्यों? पेशेंट का कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में आया, पेशेंट उस बात से अवेयर था कि उसको HIV एड्स है। अब उसने ये बात उन लोगों से छुपाई, डॉक्टर से उसने बताया नहीं, बाद में जब सारे रिपोर्ट्स आ गए, जब टेस्ट हुआ, तब जाके जो डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया था, जो नर्सेस थे उनको पता चला कि इसको HIV एड्स है। अब मैं मारने वाली क्या बात थी, अगर बेटा ब्लड, अब मान लो कहीं पे कट है, अब जो नर्स है अगर उसको पता होगा कि ये HIV पीड़ित है या फिर अगर एड्स है तो प्रिकॉशन के साथ काम करेगी, क्योंकि वोंड है तो मान लो किसी के सामने हाथ कटा हुआ है, अब उसका ब्लड और उसका ब्लड अगर मिल गया तो क्या ये आगे फैल नहीं जाएगा? ये देखो साथ बैठने से नहीं होता है, साथ खाने से नहीं होता है, लेकिन जब हम ऐसे डिजीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगर मान लो तुम्हारा भी वोंडेड है और सामने वाले व्यक्ति का वोंडेड है, तो क्या खून मिलने से, ट्रांसमिशन होने से क्या नहीं हो जाएगा? तो ये होगा ना, वायरस हो गया ना, राइट? हाँ, तो वहाँ पे अब इसने बताया नहीं तो क्या डॉक्टर तो बड़े अब वैसे ही ट्रीट करेंगे, तुम्हें ट्रीट करेंगे, बाकी नॉर्मल आदमी को ट्रीट करेंगे, है तो भाई वो भी इंसान ही, उनको पता होता तब तो प्रिकॉशन लेते। तो उस व्यक्ति ने, उस पेशेंट ने अपने छुपाने के चक्कर में कितनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया था, है ना? जनरली एड्स जो होता है, जैसे मान लो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो गया जनरली जो होता है, इसके अलावा अगर इंजेक्शन, जैसे पहले जो चीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था कि सेम इंजेक्शन सबको दिए जा रहे हैं बैठ के, चलिए ध्यान रखिएगा, निमोनिया को अगर प्रिवेंट करना है तो कौन सी वैक्सीन जो है ये दी जाती है निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए? अगेन निमोनिया जो है वो कहाँ होता है मैम? बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है कंपेरेटिवली। अरे PCV 30, ओके। अब ये तो मैम बता भी दे रहा है कि किसकी वजह से आपका जा रहा है, ये खुद ही बता दे रहा है। अब जैसे साल्क वैक्सीन है, BCG वैक्सीन है, टैब वैक्सीन है, इसको जनरली यूज़ किया जाता है पोलियो में। आप जैसे ही जन्म लेते हैं, भारत में पहले ऐसा होता था कि 10 में से 4 बच्चा स्टार्टिंग में पोलियो पीड़ित हुआ करता था, फिर हमने टीकाकरण का सिस्टम अपनाया, बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ सर्टेन टीकाज होते हैं जो बच्चों को हमें लगाने ही पड़ते हैं टाइम टाइम पीरियड पर। तो ये जैसे पोलियो के लिए हो गया, साल्क वैक्सीन हो गया, BCG वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस TB के लिए हो गया, और टैब जो होता है ये किसके लिए दिया जाता है? टाइफाइड के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा, साल्क वैक्सीन फॉर पोलियो, BCG वैक्सीन फॉर व्हाट? फॉर TB ट्यूबरक्लोसिस, एंड टैब वैक्सीन इज यूज्ड फॉर मैम थायराइड। डन, क्लियर? अगला, भारत का सबसे पहला ऑनलाइन गेमिंग, बड़े पैसे कमाते हैं यार गेमर जो है, बहुत पैसे कमाते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, सबसे अमीर मुझे लगता है यही लोग हैं, और इतना पैसा तो इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आने वाला होता है। तो पहला ऑनलाइन एकेडमी जो है ये आपका खोला गया है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बोले तो मैम सबसे आगे हमने खोल लिया, जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है उसकी तरफ। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्लियर? ओके, बोले तो
बेटा तुम्हारा जवाब तो आता नहीं है लखन बेटा, सिर्फ आज आपने बिंदी नहीं लगाई, आज आपने चूड़ा नहीं पहना, आज आपने मुझे चाकू से मेरा कत्ल नहीं कर दिया, कभी यही सब बस बोलते रहोगे। ठीक है भाई, अब मध्य प्रदेश के बारे में बाकी वाक्याएं जो है हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर मैम सीएम कौन है, शिवराज चौहान जो है यहाँ पर सीएम है मैम। इसके अलावा हम लोग जो बाकी बातें जानते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम ट्राइब जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये चीज़ें मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिएगा, रिसेंटली इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस किसने लॉन्च किया है, केरला, गोवा, गुजरात और तमिलनाडु। एक दो तीन, गोवा केरला, तीन लोगों का जवाब है गोवा, बाकी बच्चे जो जवाब दे रहे हैं वो दे रहे हैं केरला, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। तो मात्र तीन लोगों का जवाब जो मुझे यहाँ पे देखने को मिला है वो गोवा देखने को मिला है, बाकी सब जो हैं वो केरला 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 बता रहे हैं। फाइनल गाइस, केरला को लॉक करें। वो पता है डीपीएस वीपीएस में क्या होता था, तुमने गलत किया है, अगले दिन तुम बिस्किट लेके आओगे पूरी क्लास के लिए। चले ध्यान रखिएगा, वैसे आप लोग का एक पर्पल फेस्ट भी हुआ था गोवा में, अगर आप लोग को याद हो तो एक पर्पल आप लोग का फेस्ट भी हुआ था गोवा में, अगर आपको ध्यान हो तो। ओके, तो मैम यहाँ पे अनवील किया गया मायान विलेज गोवा में, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट विलेज एटलस आपका ये रहा है। यहाँ पे एक बनाना है, उसका नाम बताइएगा जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। ऑल दो आप लोग फेनी ड्रिंक के बारे में तो जानते ही हैं कि मैम यहाँ पे जो फेनी ड्रिंक है जो कि काजू होता है ना, काजू का जो फल होता है, हाँ उससे बनाया जाता है। जवाब दीजिएगा यस, आर्टिकल 44 यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मैम यहाँ पे लागू है। सबसे पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला कौन है, बोले तो पर्यावरण के अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला कौन है। मोइरा, एक गाना है ना मोइरा कुछ ऐसा था ना, मोइरा कुछ करके, तुम जूते बांध लो, जूते नहीं बांधे, अच्छा तुम्हारे पास ये नहीं है, मोइरा करके वो एक ऐसा डांस होने लगता है। एयरटेल पेमेंट बैंक जिसका हालत इतना ख़राब है कि अब एयरटेल जो है वो दूसरा बीएसएनएल होते जा रहा है, कभी भी कॉल नहीं लगता है, इतना कॉल ड्रॉप होता है और कभी कॉल नहीं लगता। मेरे भाई के पास आज भी है एक हैंडल का जिस पे एकदम आवाज़ नहीं आता है, लेकिन वो बिल्कुल उस सिम को नहीं हटाएगा क्योंकि साल भर का रिचार्ज है, इसलिए फोन लगता ही नहीं है भाई साहब उसके ऊपर, यकीन मानो। राइट, हाँ तुम जैसे बकायत लोगों को भी बढ़िया से ठीक करना जानते हैं। ओके मैम, एयरटेल पेमेंट बैंक, इट विल बी एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अभी मैं तुम लोगों से टैगलाइन पूछूंगी, तुम लोग फिर परेशान हो जाओगे। अगला, पहला फिशरीज अटल इनक्यूबेशन सेंटर खोला गया कहाँ पे, पहला मत्स्य पालन जो अटल सेंटर खोला गया है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे जितनी जगहें देख रही हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो मैम वो कौन सी जगह हैं, समुद्र के किनारे वाली जगहें हैं। अगर उत्तर प्रदेश को मैं छोड़ दूँ तो बाकी सारी जगहें जो हैं वो कौन सी वाली जगहें हैं, कोस्टल एरियाज है, समुद्र के किनारे वाली जगहें हैं। अब जल्दी से बता दो किसने ये ले आया है। आजकल हमारा कमेंट बॉक्स इतना बटा हुआ क्यों रह रहा है हमारा कमेंट बॉक्स, केरला केरला केरला, कुछ लोग गुजरात जा रहे हैं, कुछ लोग तमिलनाडु जा रहे हैं, क्या हो गया है, क्यों इतना डिफरेंसेस क्यों आ रही हैं चीज़ों में। केरला, अब सेटअप किसके द्वारा किया गया ये भी महत्वपूर्ण है, तो हम केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़ के द्वारा, इसके लिए नीति आयोग ने 10 करोड़ रुपए जो हैं इसके लिए ग्रांट किए हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है मैम, 2015 में हुई है या 2017 में हुई है, जल्दी से बताइएगा। इनमें से कौन से व्यक्तित्व जो हैं ये बांसुरी वादक हैं, जवाब बड़ा ही आसान है, पिक्चर के साथ लगी हुई है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। 1 जनवरी 2015, ठीक है, क्या बोला हमने मैम, हरिप्रसाद चौरसिया। मुझे इनमें से एक नाम बताइए जो बड़े ही फेमस आपके तबला वादक रहे हैं,
इनमें से एक नाम जो आपके बहुत ही ज्यादा फेमस तबला वादक रहे हैं। अरे तो ऑप्शन ए ही तो किया है किसू। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते ही, बासोर किसके बारे में बात करा भैया? लौकी का प्रयोग करके बनाया गया एक एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है, जिसका उपयोग ज्यादातर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। एक तारा जाकिर हुसैन तबला वादक। ग्रेट गाइस। एक तारा, किसने एक तारा जवाब दिया है? एक तारा अकबर ने क्या जवाब दिया है? शुभम, दो लोगों ने बस जवाब थोड़ा सा इधर कर दिया है, बाकी ऑलमोस्ट सबका ही जवाब जो है वो सही है। ठीक है, इट वोंट बी, जिन लोगों ने अड़क्का दिया है, अड़क्का नहीं होगा, ये क्या होगा आपका? एक तारा होगा। हमने पहले भी इसको किया है, कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं वो डिफिकल्ट हो जाते हैं याद करने में, समझ सकते हैं, जैसे हानुका क्या है, लाइट फेस्टिवल, जुविश का जो लाइट फेस्टिवल होता है उसको किस नाम से जानते हैं, कई चीज़ थोड़ी बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। एक तारा है, नॉट इडका। अगला, फेमस तबला वादक जो है इनमें से कौन से रहे हैं? पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है, फेमस तबला वादक जो है इनमें से कौन से रहे हैं? गूंजा सा है कोई, एक तारा मैं वही याद कर रही थी यार, कोई तो लिरिक्स था। वेरी वेरी गुड, अल्लाह राखा तुम्हारी सेवा करे भगवान। आगे देखिएगा, बालाघाट मणि जो है इनका संगीतकार रहे हैं, किस वाद्य यंत्र से इनका नाम जो है मैम ये जुड़ाव इनका रहा है? मृदंगम, फ्लूट, सितार, शहनाई, जल्दी से बताओ। अब देखो मैं ना कहाँ की बात कर रही हूँ, मैं पालाघाट मणि अय्यर के बारे में बात कर रही हूँ, तो तुम्हें जल्दी से क्या याद आ जाएगा? मृदंग। गाँव गाँव में सुना तुमने नाम मृदंग, या ऐसा सुना है ढोल मृदंग बजाओ? एग्जैक्टली exactly. अच्छा, कार्नेटिक म्यूजिक जो है ये, अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये कहाँ पे कन्फाइन है, देखो घरानास किस में है मैम, जो आपका अभी ये वाला जो म्यूजिक है, जो मिक्स वाला जो कल्चर है, जो तानसेन के द्वारा लाया गया था, कार्नेटिक म्यूजिक में मैम किसको बोलते हैं? मैम कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हो आप पुरंदर दास, जिसके फाउंडर हैं, किसको? पुरंदर दास को फाउंडर बुलाते हो। अभी अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि आपका कार्नेटिक म्यूजिक किस पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड है, अभी तक है बचा हुआ, तमिलनाडु, केरला, आंध्र, गुड मयंक, अकबर, अभिजीत, कानू, पवन, गुड गुड। अच्छा, ये गॉड फादर नाम क्यों रखा है, एनी रीजन? ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, आपको बताना है कि एक शत्रु से अप्रत्यक्ष टकराव, इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद द एनिमी में गारंटी अवार्ड ये आपको नवाजा जाता है, ये कौन सा है? इसके साथ ही आप लोग मुझे बताइएगा कि वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो आपका कौन सा दिया जाता है? ये हो गया मैम शौर्य चक्र। बैटलफील्ड में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है वीरता के लिए बैटलफील्ड में? इसका शौर्य चक्र है। मैं जो आपसे जवाब पूछ रही हूँ उसका बताइएगा। परमवीर, परमवीर, परमवीर। आइए, शौर्य इसका जवाब था, परमवीर किसका है मैम? बैटलफील्ड। अगला, नोबेल प्राइज जिन्हें फिजिक्स में मिला है मैम कौन है? यहाँ पिक्चर दिख रही है आप लोगों को, चलिए दो नाम है, सेकंड और थर्ड, दोनों में से कौन सा होगा? एक बार ट्राई करें जवाब देने का, शायद मैम सही हो जाए, हु नोज। हीलियम, एक्सरे, कॉर्नाड, कॉर्नाड। तुम लोगों ने रिंगटोन नाम रख दिया, तुम लोग मार खाओगे एक दिन, बहुत गंदे वाले, ध्यान से सुनिएगा। अगले सवाल पे आते हैं मैम, अगला सवाल क्या कह रहा है, पहले इंडियन जिनको पुलित्ज़र प्राइज जो है ये मैम दिया गया, वो व्यक्ति आपके कौन रहे हैं? फटाफट तरीके से गाइस, लाइव और लाइक की संख्या में थोड़ा सा मुझे डिफरेंस जो है वो दिखाई दे रहा है। हाँ,
गोविंद बिहारी लाल, गोविंद बिहारी लाल जर्नलिज्म के लिए दिया गया 1937 में। बाबा पहले जर्नलिस्ट लोगों को भारत में कैसे जलाव वाला भी दिया करते थे। बाबा रे बाबा, अगर किसी राउडी लोगों के खिलाफ का जर्नलिज्म कर लो तो पहले कितना भयंकर था। अगला देख लेते हैं, प्रिट्जर प्राइज जो है इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाता है, जनरली किस फील्ड में आपको दिया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये लिटरेचर के लिए है, मैथमेटिशियन के लिए है, या आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है, या फिर मेडिसिन के लिए दिया जाता है। अब ये जो प्राइज है, ये प्राइज दिया जाता है किसके लिए? आर्किटेक्चर के लिए, वास्तुकला के लिए। मैम शाहजहां को दे दे क्या? अरे लेकिन मैम शाहजहां ने थोड़ी ना बनाया था, उसने भारत के पैसे इस्तेमाल किए थे और भारत के पैसे इस्तेमाल करके यहाँ पे चीज़ें बनवाई थी, कभी अपने बेगम के मर जाने के बाद, कभी किसी के मर जाने के बाद, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज अकॉर्डेड एनुअली बाय द होम, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम क्या हो गया है चेंज करके? अवार्ड का नाम चेंज करके क्या किया जा चुका है मैम? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अच्छा आप बताइए, स्पोर्ट्स डे जो है आप किस दिन पे मनाते हैं? स्पोर्ट्स डे जो है आप किस दिन पे मनाते हैं? दीज क्रैम्प्स, स्टोमक क्रैम्प्स आर द वर्स्ट वन। ओके, 29 अगस्त, ग्रेट। किसका बर्थडे है मैम? किसका बर्थडे है मैम? अरे यार मैं आधा चीज़ लिखती हूँ, आधा चीज़ मेरे से रब कर दे रही हो। किसका बर्थडे है? अगला ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है कि युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन रही है। 29 अगस्त, 30 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इंडियन हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद, 29 अगस्त। चलिए इन पे आते हैं, सेवा पदक से सम्मानित होने पहली रही हैं आपकी मैम मिंटी अग्रवाल। अब यही ध्यान रखना है, ये विशिष्ट आपका क्या है मैम? सेवा मेडल है, इक्विवेलेंट माना जाता है वॉर टाइम की इक्विवेलेंट, है ना, 2019 में दिया गया है। अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि मैम सुल्तान अजलन शाह कप जो है ये हर साल हेल्ड होता है कहाँ पे? मलेशिया या साउथ कोरिया? नहीं नहीं मैम, भारत कर लेते हैं ना, सीधी सी बात है। वेयर टॉकिंग अबाउट, ये सुल्तान अजलन शाह कप जो है कहाँ? मलेशिया। अरे मलेशिया से छोड़ो, बांग्लादेश ने कितना बुरा किया यार, इतनी बड़ी आज तक गद्दारी या नीचता आज तक नहीं हुआ है क्रिकेट फील्ड में, आज तक नहीं हुआ है। ये श्रीलंका और ये जो अभी बांग्लादेश वाला जो मैच था, हाँ हाँ मैथ्यू के साथ, अरे भाई वो आदमी क्रिकेट बोर्ड में आ चुका है। देखो ये जो रूल है ना कि वो 3 मिनट तक आपको आना होता है फील्ड में, आपको 3 मिनट तक आना होता है वरना टाइम आउट कर दिया जाता है, ये आज तक किसी ने अप्लाई नहीं किया। लोग कितने 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 देर देर से आते हैं, जबकि मैथ्यू पहले से आ चुका था फील्ड में, आने के बाद हेलमेट में उसका डिफेक्ट था तो वापस गया था हेलमेट देने के लिए। क्या है का मजा आ गया यार, ये तो नाइंसाफी है। अगर तुमको जीतना या हारना तो सामने से लड़के जीतो या हारो, ऐसे थोड़ी तो बेमानी करके जीतोगे तुम किसी भी तरीके से। ये सबसे पहली बार हुआ है भाई इंडियन हिस्ट्री में, सॉरी मुझे हर चीज़ पता नहीं इंडियन हिस्ट्री क्यों याद आती, क्रिकेट हिस्ट्री में, मैं देशभक्त हूँ ना इसलिए इंडियन हिस्ट्री चीज़ें याद आती है। भाई वो अपना हेलमेट चेंज करने गया था, पहले आ गया था, फिर भी टाइम आउट, कितना बार उसने बोला, कितनी बार चीज़ों करी, लेकिन नहीं। और आज पहली बार भी हुआ, दोनों टीम में प्रथा के अनुसार हाथों को भी नहीं मिलाया। चलो फिलहाल ये तो हो गई मैम बातें क्रिकेट फील्ड की। सबसे पहले इंडियन टू गेट ISS ब्लू क्रॉस, ध्यान से देखिएगा किसको मिला है। अभिनव बिंद्रा किस चीज़ के लिए फेमस है मैम? अभिनव बिंद्रा किस चीज़ के लिए फेमस है? मैं मुक्का मारूंगी तुम लोगों को एक दिन, जो लोग गलत जवाब देते हैं ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा मैम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभिनव बिंद्रा। और यहाँ पे जितने भी दिग्गज नाम आपको दिख रहे हैं, सानिया मिर्जा फिलहाल काफ़ी चर्चे में थी, बस इन्होंने एक पाकिस्तानी से शादी वादी कर ली थी बहुत सालों पहले, जब भारत को बहुत नाज हुआ करता था। आज भी है सचिन तेंदुलकर,
गॉड ऑफ क्रिकेट राहुल द्रविड़, हमेशा वे क्रिकेट फील्ड के लिए ना भुला पाने वाला एक ऐसा नाम जिसके बचपन में आप सभी फैन रहे। ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्र भारत ने हॉकी खेल में हमने अपना सबसे पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष में जीता था? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने कॉन्जिक्यूटिव ईयर में जीता है। हमने कॉन्जिक्यूटिवली हमने हॉकी में क्या जीता था मैम? मेडल्स जीते थे। चलिए जवाब दीजिएगा। ओके, यहाँ तो ऐड चल रहा है। अभी आ गया आप लोगों का चैट। मैम 1948 भारत कब आजाद हुआ? 1947। ग्रेट, इसमें पाकिस्तान को एक दिन पहले मनाना था, हम लोगों से पहले मनाना था क्या स्वतंत्रता दिवस, तो बोला हम एक दिन पहले आज़ाद हुए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हर पाकिस्तानी लड़की जो है वो इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर करके रील बना रही होती है, हमें भारत बहुत पसंद है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हमने बोला मैम 1948 को हमने अपना पहला गोल्ड जीता था हॉकी में। फिलहाल अगले सवाल पे बढ़ते हैं मैम। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर रहे दलाई लामा, क्या है मैम? धर्म गुरु। ये कोई नाम नहीं है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था। हाँ, वीजा दे दो वाला टाइप्स। ध्यान से सुनिएगा, ये मैम क्या रहे हैं मैम? ये धर्म गुरु रहे हैं दलाई लामा। अगर आपको लग रहा है कि मैम दलाई लामा जो है ये कोई नाम है, तो नहीं है। वैसे चाइना ने तिब्बत के जो पूरे एरियाज हैं उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए हैं, कुछ भी इवन इंटरनेट भी जो है वहाँ पे अलाउड नहीं है, टीवी वगैरह वहाँ पे अलाउड नहीं किया गया। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है, ये न्यूज़ में आ रहा था, कुछ मुझे पर्टिकुलरली देखना पड़ेगा क्या है क्या लग गया। ओके, खैर चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। तो मैम ये भारत आए कब थे? तो मैम ये भारत आए थे 1959 में आए थे। दलाई लामा के साथ और कितने लोग आए थे? 10,000 फॉलोअर्स जो हैं ये इनके साथ मैम, 10,000 फॉलोअर जो हैं दलाई लामा के साथ आपके भारत आए थे, ध्यान रखिएगा ठीक है। अब ये लोग जो सेटल हुए, ये लोग सेटल कहाँ पे होंगे मैम? लद्दाख वाले रीजन में सेटल होंगे उस टाइम पीरियड पर, और आपका हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे 10,000 फॉलोअर जो हैं ये सेटल। अरे भाई, आप उनके बच्चे होंगे ना इनके, ये उस टाइम पर 10,000 लोग आए थे, अब इन्होंने अपना परिवार बढ़ाया, बच्चे हुए तो जनसंख्या भी तो ज़्यादा होगी, राइट? एग्जैक्टली। अभी दलाई लामा खुद कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं, उन्हें अपना मठ बना के, राइट? भारत और चाइना का युद्ध कब हुआ था? जब दलाई लामा भारत आए थे तो चाइना ने हमें क्या बोला था? चाइना ने हमें बोला कि आप पंचशील एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहे हैं, दलाई लामा को हमें सौंप दीजिए। पंचशील में वैसे तो कई बातें लिखी गई थी, लेकिन अगर दलाई लामा के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो उन्होंने कहा था सीधी सी बात है कि ना हम आपके मामले में इंटरफेयर करेंगे ना आप हमारे मामले में इंटरफेयर कीजिए। तो उनका कहना था कि भाई ये चाइना बोल के आग क्यों लगा रहे हो इमोजी? चाइना में ऐसा कौन सा बात है आग वाली इमोजी लगा रहे बड़ा? नहीं तो भारत अच्छा कोई देश नहीं है, चलो ध्यान दो। हाँ ठीक है, 1962 में आपको ध्यान रखना है कि मैम इंडिया चाइना वॉर जो होगा, इंडिया सिनो वॉर जिसको आप लोग बुलाते हो, तो मैम ये 1962 में होगा, जिस टाइम पे भारत में सबसे पहली बार इमरजेंसी भी लगेगी। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहली बार इमरजेंसी इस दौरान पे लगेगी, और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है सबसे पहली बार पार्लियामेंट में कब पास होगा? 1963 में होगा। किसके द्वारा? जेबी कृपलानी साहब। किसके द्वारा मैम? कृपलानी साहब के द्वारा। ईस्ट वेस्ट इंडिया इज बेस्ट मैम जी। हाँ जी, एकदम सही विक्रम। हाँ जी, फिर विथ 43 MPs। नेक्स्ट वन, आपको बताना है कि प्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन जो वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है मुंबई में है, इसका निर्माण कब से कब तक हुआ था? अब बताओ जरा जल्दी से। मैं एक हिंट देती हूँ, ये तुम्हारा क्राउन रूल आने से Ha ha ha.
सबका जवाब पहले आ गया, वेरी वेरी गुड बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तुम लोग पता, तुम लोग डांट खाने का मौका खुद से देते हो, 1 2 3 4 क्राउन तो मैम 57 में आया, मैम 2 3 मैम सेकंड, चलो तो दो लोगों का जवाब जो है वो एकदम कतई गलत आया है, बाकी सबका जवाब जो है वो सही आया है। अभी ध्यान से सुनना, क्राउन रूल आने के बाद आया है, तो कारक का इस्तेमाल सही ना होने से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कैसा की। ध्यान से सुनिएगा, हमने कब की बात करी मैम, 1878 से लेके 1883 तक आपका ये विक्टोरिया टर्मिनल जो है इसको बनाया गया था। डन रही बातें, अभी विक्टोरिया हॉल जो है वो कहाँ पर है, ध्यान से बताओ, अभी विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कहाँ पर है, फटाफट तरीके से, यूनिसेफ, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 48, 46 और 49, द स्टोरी ऑफ पैट्रियोटिक, हाँ तो देशभक्त होने में बुराई क्या है, हर किसी को अपने देश से प्यार होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि देश से प्यार ऐसा है कि बिना कुछ जाने हुए, एक होता है ना कि आप किसी चीज़ को मोहब्बत करते हो बिना उस चीज़ के बारे में जाने हुए, नहीं, इन एंड आउट हर चीज़ आप जानते हो, उस चीज़ के बारे में आप नॉलेज रखते हो, अंधापन भी नहीं बट क्लियर नॉलेज के साथ, तर्क के साथ। 46 में हुआ है लेकिन मैम, 46 में हुआ है मैम, मैम 45 में हुआ है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा समझ के। एंटेरियो, क्या नाम है, एंटेरियो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पीरियड पर यूनिसेफ, आपकी साइड से प्रियंका चोपड़ा जी जो हैं इनका पार्ट बनी हुई हैं, ध्यान रखिएगा जितने भी चिल्ड्रन हैं। अब देखो बच्चे, धर्म या देश, तुम उस देश को ख़त्म कर रहे हो, धर्म को तुम्हारी लड़ाई चल रही है, अब वहाँ पे जो पिस रहा है वो कौन है, बच्चा है, अब उसको वहाँ से निकालना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, खाना प्रोवाइड करना, हर एक चीज़। पिन कोड जो है, पोस्टल इंडेक्स कोड जो है, ये भारत में कब इंट्रोड्यूस होगा, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि मैम ये 1956 के बाद होगा ना, 1956 के बाद होगा, क्योंकि मैं 1956 में स्टेट हुआ है, अरे यहाँ पे एक पिन कोड का एक अगर अंतर पड़ जाता है तो गली से गली चेंज हो जाए, यहाँ पे दूसरी गली से दूसरी गली में पहुँच जाता है इंसान, तो हम 1956 में आपका क्या आया था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आपके राज्य बने थे, ओके, इट वुड बी मैम 1972 बाय श्री राम भिकाजी वेलकर, वेरी गुड, किसके बारे में कहा मैम, पिन कोड आपका 1972। अच्छा, इनमें से ये जो आपको डेट दिख रही है 1949 की, इस दौरान पे हमारा नेशनलाइजेशन हुआ था किस बैंक का, जल्दी से बताइएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने सबसे ज़्यादा नेशनलाइजेशन जो है किस साल में किया था, हर चीज़ का, मैक्सिमम चीज़ों का राष्ट्रीयकरण, ध्यान रखिएगा अगले साल पर देखेंगे। The government of India added the prefix MG to the National Rural Employment Guarantee Act in which year? भारत सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ये जो उपसर्ग में जो MG थी इसको कब जोड़ा था मैम, RBI, ठीक है, ग्रेट ग्रेट, मनमोहन सरकार चल रही थी उस दौरान पर, यानी मैम कांग्रेस की सरकार चल रही थी जिस दौरान पर ये आपका लाया गया था, 2009, डॉक्टर मनमोहन सिंह बताइएगा, 2009 में अगर मैं बात करूं तो मीरा कुमार जो है, मीरा कुमार जो है 2009 में किस मंत्रालय में सर्व कर रही थी, आपकी एक स्पीकर रही हैं ये, मीरा कुमार जो थी ये आपकी 2004 से लेके 2009 तक किस मंत्रालय का पदभार संभाल रही थी, कमेंट बॉक्स में, मनरेगा। अगला, माउंट गॉडविन ऑस्टन जिसको आप माउंट केटू भी बुलाते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है, मैम डॉक्टर मनमोहन सिंह 15th आरबीआई, वेरी वेरी गुड गाइस, अगले सवाल पे आते हैं, ध्यान से सुनिए, नेशनल फूड फॉर, ये भारत में आपका लॉन्च हुआ किस साल में लॉन्च हुआ है, बोले तो काम के बदले, क्या मैम, राष्ट्रीय भोजन कार्यक्रम किस साल में ये आपका शुरू हुआ है, 2004, ओके,
2004 में भी किसकी गवर्नमेंट चल रही थी, 2004 में किसकी गवर्नमेंट चल रही थी, जल्दी से बताइएगा। अगले सवाल पे आते हैं मैम, आपको बताना है किस वर्ष को भारत के जनसंख्या के इतिहास का ग्रेट डिवाइड माना जाता है। दो चीजें हैं द ग्रेट डिवाइड में बुलाऊं, और एक अगर मैं टर्म आपको बुलाऊं कि इस टाइम जन्म और मृत्यु दर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे दो डेट जो है बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक डेट है मैम 1921 और एक डेट है मैम 1911। ये दो डेट जो है यहाँ पे दो सवालों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब चूंकि मैम ग्रेट डिवाइड पूछा है डेमोग्राफिक हिस्ट्री में, तो ये डेट क्या आ जाएगा, 1921 का डेट जो है मैम यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे रीजन क्या था मैम, पॉपुलेशन का। अब देखो सारा मुद्दा जो है, कोई भी देश, मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, मैं आपको कह रही थी ना उस दिन कि हम जब किसी भी देश को जब हम गरीब कह रहे होते हैं या डेवलपिंग स्टेट में कह रहे होते हैं, तो वन ऑफ द जो मेजर रीजन है उस देश का, वो होता है उस देश की पॉपुलेशन। अब इस बातों को मिथ्या साबित करते हुए चाइना और इंडिया जो है ये बहुत आगे पहुंच चुके हैं। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद इतनी बड़ी इकोनॉमी को संभालना, इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जनरली क्या होता है, आबादी बढ़ रही है तो जॉब चाहिए, है ना, घर और ज़्यादा चाहिए, हर चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको जॉब उतना ही ऑरिजिनेट करना पड़ेगा देखा जाए तो। अच्छा बताओ, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जब आए थे, कलकत्ता जब आए थे, वो किस साल में आए थे? बंगाल का इकोनॉमी जो आप देखते हो, मैंने आपको कितनी बार समझाया है बंगाल की इकोनॉमी के बारे में कि बंगाल की इकोनॉमी डाउन क्यों होता है। जापान में डिक्लाइन देखा जा रहा है पॉपुलेशन में, इटली में बहुत एक्सट्रीम लेवल का ये डिक्लाइन देखा गया है 1972, 1971 इट वॉज बच्चा। नेक्स्ट वन, एमएसटी इंटरनेशनल जो है ये आपके एसोसिएटेड है किससे? क्या ये ह्यूमन राइट्स से इसका जुड़ाव रहा है? ध्यान से शब्द सुनिएगा, क्या पूछा मैंने, क्या ह्यूमन राइट्स से इसका जुड़ाव है, क्या कल्चर हेरिटेज प्रोटेक्शन से है, या फॉरेस्ट कंजर्वेशन के साथ इसका जुड़ाव है? कई लोग जो हैं वो अपने जवाब कैसे दे रहे हैं कि मैम कल्चरल होगा, जी नहीं, ये आपका ह्यूमन राइट्स को लेकर इसका जुड़ाव है। बेसिकली क्या आपका, अब ह्यूमन राइट्स हम किस में किसे मदद करता है, तुमको एक ऐसी जगह रख दिया जाए जहां तुम पब्लिक की नज़रों से दूर हो, तुम्हारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो। सपोज बड़ा ही एक सबसे प्रोमिनेंट वैसा जगह है जेल, है ना, सबसे ज़्यादा। अब वहाँ पे तुमको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, तुम्हारा क्या बेसिक नीड्स भी क्या वहाँ पूरा हो रहा है, क्या तुम्हें सारी चीज़ें मिल रही हैं, नहीं मिल रही है, देखने वाला कौन होता है मैम, कोई देख रहा होता है? यस, ह्यूमन राइट्स, एग्जैक्टली। अगला ध्यान से सुनते हैं, तो एमनेस्टी ड्रॉज अटेंशन टू द ह्यूमन राइट अब्यूजेस एंड कंप्लेन फॉर द कंप्लायंसेस विद द इंटरनेशनल लॉ एंड स्टैंडर्ड, और उसके लिए राहत प्रोवाइड करवाना। अगला देख लेते हैं, दिल्ली इज़ नॉट फार, ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा? यहाँ पे जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं बड़े ही फेमस नाम है, चाहे अगर मैं आपसे आज़ादी के टाइम की बात करूँ 1950s के दौरान पर 40s 50s, तो मैम उस दिन पर बड़े ही फेमस राइटर रहे हैं खुशवंत सिंह जी। अगर मैं आपसे 80s से 90s तक, मैं 2000 तक आऊँ, तो आप अनिता देसाई जी, अरुंधति रॉय, अगेन 90s से लेकर 20s वाले दौर तक, और यहाँ पे ये जवाब उसका हो जाएगा मैम रस्किन बॉन्ड। क्लियर स्काई डे ये किसने लिखा है, क्लियर स्काई डे ही नाम था ना उसका, क्लियर स्काई डे किसके द्वारा लिखा गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अगला, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा, जल्दी से, एन इंक्वायरी विद द नेचर, ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा? जेम्स बॉन्ड, हाय तौबा, एडम स्मिथ, किसके बारे में कहा मैम, एडम स्मिथ। एक बात बताओ, लीलावती किसने लिखी है, लीलावती किसने लिखी है? अगला, नीति आयोग में जो टी है, टी किसके लिए स्टैंड करता है? नीति आयोग, वही नीति आयोग 2015 में जो आपकी फॉर्म हुई थी, वही नीति आयोग जिसको हमेशा
थिंक टैंक के नाम से मैम बोला जाता है, क्योंकि आपने जो भी नीति आयोग ने कहा है क्या उसको मैं मानना हमें बाउंड है? आर वी बाउंड कि हमें जो भी नीति आयोग ने सजेशन दिए हैं कि हमें मानना ही पड़ेगा? नॉट कंपल्सरी ना, ये इन्होंने अपने सजेशंस दिए हैं, अगर सजेशन सरकार को अच्छे लगते हैं तो सरकार चाहे तो लीलावती भास्कर अपनी बेटी के नाम पे मैथ्स की किताब, यस सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम मैम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके इट विल बी ट्रांसफॉर्मिंग. सरकार देखो देश के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, हम लेके आते हैं प्लानिंग कमीशन, पंचवर्षीय योजना लेके आते हैं हम लोग, देश आज़ाद होने के बाद संविधान बन जाने के बाद हम प्लानिंग कमीशन लेके आते हैं, हम NDC लेके आते हैं, नेशनल डेवलपमेंट, जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं जो आपको सजेशन दी, चीज़ों के बारे में बताए कि हमें कैसे मूव करना है, देश की इकोनॉमी को और आगे बढ़ाना है. IFSC जनरली आप IFSC कोड जो है, या आप ऑनलाइन बैंकिंग जब आप करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आपसे क्या पूछा जाता है कि IFSC कोड जो है आपका क्या है, क्या बताते हो फिर आप? मैम देशभक्त है तो अब सबका हो गया है ना, मेरा भारत मान, वेरी गुड. चले इंडियन फिस्कल फाइनेंस, मैम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ओके फिस्कल किसने लिखा था, अभी कौन था वो, अभी मैं जाके फोन में चेक करूंगी सब कमेंट पकड़ के. अभी मैं क्या बोले मैम, आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है तो 11 डिजिट का होता है. हर बैंक का आपका कोड क्या क्या होता है, नेटवर्क वाइज अलग होता है, हर बैंक का IFSC कोड जो होता है वो अलग होता है. इंटक क्या है, इंटक पहले इंग्लिश वाले देख लीजिए फिर उसको मैं हिंदी में भी कर दूंगी फटाफट तरीके से. कर दे हिंदी में इसको, स्टैंड्स फॉर व्हाट, मैम इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, 1860 में इसकी स्थापना हुई. कब हुई मैम? 1860 में. अगले सवाल पे आ जाते हैं. गना सरस्वती मंदिर जो है, ये मंदिर आप मुझे बताइएगा कि मंदिर मैम कहाँ पे स्थित है, माँ सरस्वती का ये मंदिर है, जल्दी से बताइएगा कि मैम ये स्थित कहाँ पर है. गुड, हमने कहा मैम कि ज्ञान सरस्वती का मंदिर जो है ये आपका बसर के पास स्थित है, जो कि आपकी तेलंगाना में पड़ता है. ध्यान रखिएगा तेलंगाना का डेट जरूर याद रखिएगा, MTS में पूछ चुका है, दिल्ली पुलिस में पूछ चुका है कई बार कि किस साल में ये आपका अलग हुआ था, ठीक है तो ध्यान रखिएगा 2 जून 2014. अगला आपको बताना है कि कारदंग मॉनेस्ट्री जो है ये कहाँ पे स्थित है. अब मॉनेस्ट्री पूछ रहा है तो मेरे दिमाग में दो ही चीज़ें आती हैं, मेरे दिमाग में एक तो मैम सिक्किम आता है और दूसरा मेरे दिमाग में अरुणाचल प्रदेश आता है अगर मैं बोलूँ तो, है ना. लेकिन मैम ये जो मॉनेस्ट्री है आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि दलाई लामा जो है मैम वो कहाँ, वो हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं. आपने अभी क्या बताया था कि मैम दलाई लामा जो है वो कहाँ रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, उनका भी एक मठ है. तो मैम जहाँ जहाँ पे लोग गए हैं वहाँ वहाँ पे अब उनके अपने धर्म की चीज़ों को तो इस्टेब्लिश करेंगे ही करेंगे. स्पीति वैली तो आप सभी गए होंगे या जाने का प्लान तो फॉर श्योर होगा. एग्जैक्टली हिमाचल प्रदेश हो गया. अच्छा सिक्किम जो है किस संशोधन में इसका जिक्र दिया गया है, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपको उसका जिक्र दिया गया है, जिससे आपका सिक्किम क्या है मैम, पूर्ण तरीके से आपका फुल फ्लेज राज्य है. सिक्किम आपका दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है. भाई स्वस्थ होंगे लोग, समझ रहे हो, कोई मिलावट के बगैर. अगला ध्यान से देखिएगा, मैम बोल रहे बिष्णुपुर जो है, जो कि बड़ा ही फेमस है ताराकोटा टेम्पल के लिए, किस जगह में है, वेस्ट बंगाल में है या आसाम में है? विष्णुपुर, बांकुरा,
पश्चिम बंगाल, बांकुरा झारखंड की तरफ आप बढ़ते चले जाइए, है ना। अभी से मैंने कहा वर्धमान, तुम कहाँ बढ़ते जा रहे हो, तुम कलकत्ता की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हो। मालदा, तुम कहाँ बढ़ते रहे हो, कलकत्ता की तरफ बढ़ते रहे। मैंने कहा बांकुरा, इधर आ जाओ आसनसोल, तुम लोग इधर इधर आते जाओ, कहाँ जाओ बढ़ते रहे, तुम झारखंड की तरफ बढ़ते जा रहे हो, सीमा के पास बढ़ते जा रहे हो। जो लोग नहीं है पश्चिम बंगाल से, उनको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी एरिया वाइज। अगला, खजुराहो एयरपोर्ट जो है कहाँ पे है। मैम, खजुराहो एयरपोर्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे खजुराहो मॉन्यूमेंट्स होने होंगे। तो खजुराहो का जो मॉन्यूमेंट्स है मैम, वो कहाँ पर है, जो हमें 11वीं से 12वीं सेंचुरी का हमें एक जिक्र दे रहा है। तो हमने किसके बारे में बात किया, हमने बात किया मध्य प्रदेश के बारे में। आप मुझे बताइएगा कि मैम ये किस राजाओं के द्वारा, किस वंश के द्वारा बनाया गया था, चालुकास के द्वारा बनाया गया था। जल्दी से आदित्य, यस, एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। मैम चंदेल डायनेस्टी के द्वारा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड गाइस। आपको ध्यान रखना है अभी फिलहाल करंट अफेयर्स के लिए, उज्जैन में आप लोगों का क्या बन रहा है, एक वैदिक क्लॉक बन रहा है जिसकी कॉस्टिंग पड़ रही है 162 सीआर पड़ रही है। ये क्या बना रहे हैं, वैदिक क्लॉक बना रहे हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक बात तो बोली उस दिन कि हिंदू कैलेंडर जो फॉलो होता है अब इस वैदिक क्लॉक के ऊपर, हमारा फास्ट कब होगा, हमारा व्रत कब होगा, कौन सा त्यौहार का तिथि वगैरह, हर एक चीज़ हिंदू कैलेंडर शाका संवत से फॉलो होता है। मुस्लिम कैलेंडर जो है वो किससे शुरू होता है, हजरत का नाम सुना है आप लोगों ने, हिजारत का नाम सुना है आप लोगों ने, करेक्ट मी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर कहीं पर रॉन्ग जा रहा है तो। हजारत होता है, हजारत बोलता है ना उसको, कैलेंडर जैसे हमने कहा शाका, हिजरी एरा, यस हिजरी एरा बोलते हैं उसको, हजारत बोलते हैं उसको। अब उनका कनेक्शन कहाँ से होगा, चलो मैं तुम लोगों को एक चैप्टर पढ़ाऊंगी इस्लाम के बारे में, जितना मैंने पढ़ा है अपने लॉ कॉलेज की किताब में, उससे 10 मिनट या 15 मिनट का मैं एक सेशन बना के तुम्हें पढ़ाऊंगी, इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इस्लाम कैसे आया, और इस्लाम किसके द्वारा भारत में लाया गया, इस्लाम की शुरुआत अरब में कहाँ से हुई, है ना, क्या रूल होते, हिजरी होता है, हिजरी या हजरत कुछ ऐसा करके होता है ना उसमें, हिजरी कैलेंडर एग्जैक्टली, वो पढ़ाएंगे एक बार आप लोगों, क्योंकि आप लोग का MTS में क्वेश्चन भी पूछा गया था वहाँ से। शिलोंग एयरपोर्ट कहाँ पड़ जाएगा, अरे 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 अरे, ये तो मैम कहाँ चला जाएगा आप लोग का, मेघालय, PDF मिल जाएगी आप लोग को टेलीग्राम चैनल के ऊपर। शिलोंग में अभी जस्ट आपके नरेंद्र तोमर जी ने क्या वहाँ पे स्टार्ट करवाया है मैम, पिग्री स्कीम को स्टार्ट करवाया है, कहाँ, शिलोंग। अच्छा, मैंने आपसे बोला गारो, खासी, जनतिया, गारो खासी जनतिया, ये जो आपकी ट्राइब है वो कहाँ के रहने वाले हैं मैम, मेघालय के हैं। यहाँ पे मैम पहाड़ियाँ भी तो हैं, वो जो पूरा डिवाइड किया गया है, ओके ठीक है, एक बच्चा ऐसा कमेंट लिख रहा है ना, खैर ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम है गर्ल, और ये बॉय वाला जो प्रॉब्लम है रिलेशनशिप वाला, प्लीज़ हैंडल योरसेल्फ, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा एरिया जो है ये बटा हुआ है किससे मैम, इसी हिल रीजन में आपका बटा हुआ है, इसी पहाड़ों के क्षेत्र में। अगला देख लेते हैं, लेंगपुही हवाई अड्डा जो है ये कहाँ का है, खासी ट्राइब में बिगेस्ट ट्राइब है मेघालय के, गुड अभिजीत, नेक्स्ट वन गाइस। नागालैंड, किस किस ने नागालैंड बोला है, एक दो तीन चार, तुम लोग खाओगे आज मुझसे मार, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सब ने नागालैंड बोल दिया, जा मुझे लगा कोई तो को जो सही जवाब देगा, एक भी नहीं दिख रहा मेरे को जिसने सही जवाब दिया हो, तो फिर दीमापुर तो किसी और का होगा, दीमापुर फिर मिजोरम का होगा, है ना, फिर दीमापुर जो होगा वो मिजोरम का होगा, दिमपुर या दीमापुर, क्या बात है बेटा, तुम लोगों को मैं एक दिन नॉर्थ ईस्टर्न का क्लास कराऊंगी, और फिर मैं तुम लोगों से स्ट्रीट आइडेंटिफाई कराऊंगी मैप के ऊपर, मैं देखती हूँ
फिर कौन सही जवाब देता है? दीमापुर कहाँ का हो जाएगा मैम? नहीं मैम, दीमापुर तो मैम मिजोरम का होगा ना, दीमापुर तो मैम मिजोरम का हो जाएगा कि तुम लोगों ने इधर उधर कर दिया दोनों के एयरपोर्ट को, जाना कहीं और होगा, पहुंच कहीं और जाओगे। अच्छा नागालैंड जो हुआ है, नागालैंड किस साल में बना है? नागालैंड का फॉर्मेशन डेट जो है वो किस साल का है कमेंट बॉक्स से बताइएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट कहां पर है? वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट कहां पर है? उड़ीसा। अरे उड़ीसा वालों कम से कम अपना एयरपोर्ट तो पहचानो। हे भगवान, ओ दीदी की मना चो भालो अच्छी भालो अच्छी। चलो ठीक है भाई, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहां पर है जल्दी बताओ। अगला, भटिंडा एयरपोर्ट कहां पर है? भटिंडा तो मैम सारे लोग जवाब दे देंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जवाब नहीं देगा। तमिलनाडु कर देंगे भटिंडा का? नहीं मैम, तमिलनाडु में ही होगा पक्का। पठानकोट, शहनेवाल, पटियाला, आदमपुर, ये कहाँ हो गया मैम आपका? पंजाब का। नेक्स्ट वन, आपको बताना है नाल एयरपोर्ट कहाँ का हो गया? मैम अपने को ना दो चीज़ें दिमाग में है, नाम सुन के पहला जो हम नाम आ रहा है दिमाग में वो आ रहा है सिक्किम, दूसरा नाम जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है मैम? अरुणाचल प्रदेश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पर है? राजस्थान, बीकानेर। अकबर का जवाब आ गया है। ओ अपने अपने राज्य वाला एयरपोर्ट तो आप लोगों को कम से कम पहचानना चाहिए ना। राजस्थान राजस्थान राजस्थान, ठीक है। कोलकाता का है मैम नेताजी सुभाष चंद्र, ठीक है। सबने अपना अपना पहचान लिया, पश्चिम बंगाल कोलकाता का है। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ का है? जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ का है? पटना, बिहार। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, जल्दी से क्या बोले मैम? इंदिरा गांधी सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। सुबह 5 बजे फ्लाइट लेने जाओगे वैसी ही भीड़ रहेगी, बैठने की जगह भी उतनी ही खराब रहेगी, लॉन्च में जाओगे लॉन्च भरा हुआ रहेगा। सुबह 5 बजे की मैं हालत बता रही हूँ। कोटा एयरपोर्ट हो गया, किशनगढ़ एयरपोर्ट हो गया, जोधपुर हो गया, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट हो गया, जैसलमेर एयरपोर्ट हो गया। कहाँ आपके हो गए मैम? आपके राजस्थान। अगला, अरे भाई राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला ध्यान दीजिएगा, आबादी इतनी नहीं है। अब जो कैपिटल है ना, कैपिटल भले 35 स्क्वायर किलोमीटर का है ना, तो लेकिन मैम है तो कैपिटल 11 डिस्ट्रिक्ट में, इससे छोटा सा जगह है जनयू दिल्ली है। अब सारे लोग जा रहे हैं, काम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बिजी तो हो ही जाएगा। ध्यान से सुनना, पाक्योंग एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है? अब ये आ गया आप लोग का जवाब कि मैम ये हो गया सिक्किम का एयरपोर्ट। मैंने क्या बताया था आप लोग को कि सिक्किम जो है किस अमेंडमेंट के जरिए एसोसिएट स्टेट बना है, ये बताओ मुझे आप कमेंट में। मेरे शब्द को ध्यान से सुनना, सिक्किम किस संशोधन के जरिए एसोसिएट स्टेट बना था भारत का? मारे कान के नीचे खींच के 36वां, फिर नहीं सुने? अरे तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो ठीक से सवाल? रटा रटा जब मैं बोल रही हूँ एसोसिएट स्टेट बना था, एसोसिएट स्टेट बना था 35th से, और फुल फ्लेज स्टेट बना है 36 संशोधन से। यही गड़बड़ करके आते हो बार बार। सुनो ध्यान से मेरी बातों को, क्या बोला मैंने मैम सिक्किम के बारे में कि जब इसको सबसे पहली बार जब मेंशन किया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया 35th के जरिए इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पर, फिर इसको खत्म करके 36 के जरिए फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया, राइट। सिक्किम जो है ये आपका क्या है मैम? सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे, सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे, पहला ऑर्गेनिक स्टेट है आपका। यहाँ पे अगर मैं माउंटेन पासेस के बारे में बात कर लूँ कि मैम यहाँ पे दर्रा कौन सा है, बड़ा ही फेमस है, दोनों ही बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, नाथुला पास और मैम जेपला। अब ये नाथुला जो है ये ध्यान रखना, ये भारत और चाइना के
बीच का रास्ता तय करती है, जिसको 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। फिर 2006 में इसको क्या किया गया था मैम, इसे रीओपन किया गया था, याद रखना, ठीक है? यस, कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को कहीं पे भी तो जल्दी बता दो। कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को भी? नो मैम, ऑल क्लियर, ठीक है। अगला कह रहा है कि मैम थोंदू बड़ा प्यारा सा एक नाम है, बहुत ही खूबसूरत सा नाम है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ साउथ इंडियन सीखने की, लेकिन प्रोनंसिएशन थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, तो माफ़ करना इसके बारे में। थोंदूकुदी एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर है? तो मैम ये जो है हमारा तमिलनाडु में है, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं इतने प्यारे से जो नॉर्थ इंडियन, अगर साउथ इंडियन भाषा के नॉर्थ में अगर बोले और उन शब्दों का उच्चारण किए तो इतना कुटाएंगे कि कहने का मतलब नहीं है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं तेलुगु वाले, ठीक है, बड़े प्यारे से। अगले सवाल पे आइएगा। महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट जो है मैम सिचुएटेड है, ओके गाइस सॉरी, त्रिपुरा। क्या बोला? त्रिपुरा नहीं, आई वॉज ट्राइंग कि मैं सीखूँ थोड़ा तेलुगु वेलुगु मैं सीखूँ, तो मैंने कुछ क्लासेस देख ली थी तेलुगु की YT पे, तो फिर मुझे लगा कि अगर मैंने अपने दोस्तों के साथ प्रयोग किया, मैंने अपने दोस्तों को कॉल लगाया, है ना, हमारे 5-6 दोस्त थे कॉलेज वाले, और फिर उनको बोला कि थोड़ा तेलुगु भाषा में बोलने की कोशिश की, तो मैंने इतनी बातें सुनी कि मैं क्या बताऊँ, है ना। एंड दैट टू बंगाली फ्रेंड्स को अगर तुम बोलो तो, ठीक है। त्रिपुरा, अच्छा एक बात बताओ मुझे, त्रिपुरा जो है किन देशों से सराउंडेड है? ये सुनो, पूछ रहा है कानपुर एयरपोर्ट कहाँ पर है, कानपुरिया भैया लोग जल्दी बताइएगा। कानपुर एयरपोर्ट हो जाएगा मैम हमारे उत्तर प्रदेश में, मुस्कुराइए आप, उत्तर प्रदेश में है। आगामी वक्त में, अपकमिंग ईयर्स में यूपी में हमारे यहाँ मैम सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एयरपोर्ट जो हम प्रोसेस में हैं बन रहे हैं। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि हम सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है मैम, वो केरला में है, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है मैम, वो केरला में है। आगामी वक्त में उत्तर प्रदेश जो होगा ये आपका मैक्सिमम एयरपोर्ट के साथ हो जाएगा। ओके गाइस, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, और ग्रेट, गिव मी अ मोमेंट गाइस। अब तुम लोगों को पता ना कि मैं एक सेकंड के लिए कैमरा को ऑफ करूंगी, क्योंकि मैंने सेल का क्रिएटिव जो है वो अंधेरा, ओके ध्यान से देखिएगा। फिलहाल आप लोग की सेल चल रही है, और आज जहाँ तक मुझे पता है आज आप लोग का आखिरी रेट है, 90% तक अभी तक आप लोगों को ऑफ मिल रहा है। सुपर पैक स्पेशली जो है मैम, सुपर पैक आपके लिए हो चुका है 835 रुपीज़ में। कूपन कोड क्या यूज़ करना है मैम आपको, दिव्या का, इसके साथ ही MTS, रेलवे, दिल्ली पुलिस, CHSL 269 में आपको ये बैच जो है आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। डन रही ये बातें, लिमिटेड टाइम ऑफर है। बेस्ट क्या होता है मैम सुपर पैक में, आपको टेस्ट बुक का पास प्रो मिल जाता है, मतलब हमने पढ़ भी लिया और हमने मॉक टेस्ट लगा लिए, PYQ हमने सॉल्व कर लिया, राइट, एग्जैक्टली। चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, डू लाइक शेयर, बाय बाय।